नमस्ते दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र नागर। मैं माँ एंटोनी और रॉयल विंची से आज फिर कहना चाहूंगा, ये देश मेरे बाप दादाओं का है, मेरे पुरखों का है, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस जमीन को सींचा है। मेरे बच्चों का भविष्य है, ये करोड़ों बच्चों का भविष्य है। कल जब LSE पे 20 जवान शहीद हो गए तो आपके चेहरे पे चमक है। ये चमक लकड़बग्घों का भाव है, भेड़ियों का भाव है, जो अपनों की ही लाशों में अपना हिस्सा तलाशते हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप मोदी जी से? पूछते अपने परदादा से, अपनी दादी जी से, जिन्होंने 38,000 किलोमीटर जमीन चाइना को दान में दे दी थी और संसद में कहा था कि जहां घास का एक तिनका नहीं उगता उस जमीन का हम क्या करें। तिब्बत पर जब चाइना ने कब्जा किया तो उनकी सेना को राशन आप लोगों ने पहुंचाया था। UPA कार्यकाल के अंदर 640 किलोमीटर जमीन पर उन्होंने कब्जा फिर से किया और 600 बार सीमा का अतिक्रमण किया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, 70 साल तक आप सीमाओं पर सड़कें नहीं बना सके, हवाई पट्टियां नहीं बना सके। क्या मनोबल बढ़ाएंगे आप देश का और देश की सेना का? ये देश आपसे तंग आ चुका है। आप इस देश का, इस देश की सेना का साथ नहीं दे सकते तो कृपा कर हमारी आंखों से ओझल हो जाइए। ये देश आपका भार अब और ढो नहीं सकता, नहीं ढो सकता। आपके चमचे आप लोग कल से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं देश का मनोबल तोड़ने के लिए। संतोष बाबू की मौत हुई है, कर्नल हमारे, इकलौते बेटे थे वो अपनी माँ के, उसे गर्व है उस माँ को अपने बेटे की शहादत पर आपके चेहरे की हंसियां ये देश अभी और स्वीकार नहीं कर सकता। मित्रों, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए और शेयर कीजिए और नंगा कीजिए इन लोगों को।